सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद स्पेशल में हम आपके लिए कोफ्तों की रेसिपी लेकर आए हैं, लेकिन आज के जो कोफ्ते हैं वो रूटीन से डिफरेंट हैं, जरा स्पेशल हैं। हम लोग मार्केट से KNN's के कोफ्ते लेकर आते हैं, या सूफी वाली जो जितनी भी ब्रांड्स हैं हम उनके बने बनाए कोफ्ते लेके आते हैं। सबसे ज्यादा KNN's के कोफ्ते यूज होते हैं। अब मैं सेम KNN's का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपको होममेड कोफ्ते बनाने का तरीका समझाऊंगी और बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि KNN's के होममेड कोफ्ते किस तरह बनाते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। चलिए क्विक रिव्यू में देखते हैं कि इसको किस तरह चॉप करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आधा किलो जो है वो मुर्गी की चेस्ट ली थी, जिसको मैं कीमा बनाने लगी हूँ चॉपर में डालकर। एक पीस में ऑलरेडी डालकर चॉप कर चुकी हूँ। अब हम बाकी के पीसेस इसमें डाल लेते हैं और इसको चॉप करते हैं। चार जो है हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं किनारों समेत, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक चम्मच जो है मैंने सोया सॉस इस्तेमाल की है, जीरा पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च एक चम्मच, लहसुन पाउडर एक चम्मच, नमक हसबे जायका मैंने आधा चम्मच लिया है। थोड़ा सा इसको देसी टच देने के लिए हमने सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप मत इस्तेमाल करें। एक अंडा हमने और साथ में एक कप जो है वो दूध का लिया है। ये मैंने ब्रेड का चूरा कर लिया। आपने इस तरह बाकी के जो दो स्लाइस हैं इस तरह लेकर इसको चूरा बना लेना। अब मैं इसके अंदर जो है हम दूध शामिल करेंगे। हमने सिर्फ इसलिए डालना है ताकि जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो जब तक ये नरम हो रही है हम इसको करते हैं साइड पर, कीमे को करते हैं इधर। अब मैं इस कीमे के अंदर सारे मसाले डालती जाऊंगी, जीरा पाउडर, लहसुन पाउडर, अगर किसी के पास लहसुन पाउडर नहीं है तो वो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकता है, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और ये हरी मिर्च। आप चाहें तो इसको काट कर डालें, मैं साबुत ही डाल दूँ। और लास्ट पर हम अब इसके अंदर मैं ब्रेड शामिल करूँगी। अब ये वाली ये देखें ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से इसने दूध को सोक कर लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। अब हम इन्हें दोबारा चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। मैंने इसमें सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर लगाकर अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारा कीमा मिक्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी मदद से बनाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने हाथों पर इस तरह हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लिया है। फिर अब मैं ये गोश्त लूंगी। आपने हाथों पर बस एक दफा लगाना है जब तक ये बनते जाए और आपके हाथ पर गोश्त ना चिपके। इस तरह आपने इसके गोल गोल बॉल बनाते जाने हैं और इसको अब मैं प्लेट पर रखती जाऊंगी। अब इसी तरह जो है मैं सारे बॉल्स रेडी कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्रीजर में 40 मिनट तक रख दूंगी और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाने लगे हैं, जो कोफ्ते का सालन होगा। तो उसकी ग्रेवी की मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ कि मैंने एक अदद दरमियानी प्याज लेकर इसको चॉप कर लिया था। इसके साथ हमने एक टमाटर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, नमक हसबे जायका मैंने आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी एक चौथाई चम्मच और तीन हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक पैन में हमने ऑयल डालना है। मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल डाल दिया। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट मसाले डालेंगे। तो
हमारे जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ में ही मैं टमाटर डालूंगी और इनको फ्राई करूंगी। ये 1 मिनट हो चुका है हमें भूनते हुए। अब हम इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, साथ में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये लगे ना। अब 1 से 2 मिनट हम इसको मजीद भूनेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भूनकर तैयार हो चुका है। प्याज टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 ग्लास जो है वो पानी शामिल करूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, साथ ही मैं अपने कोफ्ते पकाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक कढ़ाई में तेल को नॉर्मल सा गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके अपने कोफ्ते डालेंगे। इसको हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर जो हमने ग्रेवी बनाई है उसके अंदर इसको ऐड करके 2 से 3 मिनट पकाकर सर्व करेंगे। कोफ्तों को निकालने के बाद हम इसको शोरबे के अंदर इस तरह रखते जाएंगे और अब मैं इसको पकने के लिए ढक्कन देकर रख दूंगी। हमने इसको 3 से 4 मिनट तक बस पकाना है और हमारा सालन तैयार हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, अब जो हमारा सालन है वो पकने लगा है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे होममेड केएनएनस कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।